हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। ये सेशन योस्ट SEO के ऊपर है। योस्ट SEO एक प्लगइन है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हमारे वेब पेज पे कहाँ पे क्या एरर है, क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम कैसे अपने वेब पेज की रैंकिंग को और अच्छा कर सकते हैं सर्च रिजल्ट में आने के लिए। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अरविंद, आप देख रहे हैं हैश डिजिटल और स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में SEO योस्ट सीखेंगे। योस्ट के जरिए ऑन पेज को कैसे हम ऑप्टिमाइज करते हैं, ये योस्ट का वेरी फर्स्ट सेशन है। तो इसमें हम योस्ट का इंस्टॉलेशन और योस्ट का कॉन्फ़िगरेशन, योस्ट के बारे में हम आपको तमाम जानकारियाँ देंगे। इसके लिए हम अपने डैशबोर्ड में आए हैं वर्डप्रेस के, और यहाँ से प्लगइन में आए हैं। यह है जो प्लगइन, और प्लगइन में हम आएंगे ऐड न्यू, क्योंकि योस्ट एक प्लगइन है तो उसको ऐड करना है अपने वर्डप्रेस में। तो हम यहाँ से दिखाते हैं कैसे ये होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे योस्ट YOSTO, ठीक है। तो इसको हम यहां से इंस्टॉल करेंगे। यह है योस्ट SEO और अब यह इंस्टॉल हो रहा है। इस SEO के जरिए हम अपनी राइटिंग को भी चेक कर सकते हैं कि हमने जो राइटिंग जो हमने लिखा हुआ है आर्टिकल अपने पेज पे, वो ग्रामेटिकली कितना सही है, वो एक्टिव वॉइस में लिखा है या पैसिव वॉइस। क्योंकि पैसिव वॉइस, अब देखिए ये हो गया यहाँ पे, अब इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। पैसिव वॉइस जो है प्रिफर नहीं किया जाता है रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्टिव वॉइस ही सही लग रहता है। तो ये सब बताएगा कि एक्टिव वॉइस इसको करना है पैसिव में लिखा। तो ये हमारा आ गया SEO योस्ट। अब हम देखते हैं ये आ गया। अब इसकी हम सेटिंग में चलते हैं। अब सेटिंग में देखिए ये हमें दे रहा है डैशबोर्ड, फिर फीचर्स, फिर वेबमास्टर टूल और फर्स्ट टाइम SEO कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे दिखा रहा है कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। वो हमको क्योंकि फर्स्ट टाइम SEO कॉन्फ़िगरेशन हम करने जा रहे हैं तो इसको कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड में जाएंगे। अब देखिए ये कई चीज़ें हमसे पूछेगा, जैसे एनवायरनमेंट। प्लीज़ स्पेसिफाई इफ योर साइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन और ऑलरेडी एक्टिव। तो हमारी साइट को एक्टिव है, तो माय साइट इज लाइव एंड रेडी टू बी इंडेक्स्ड एंड माय अंडर। तो पहले वाले को हम ले लेंगे। अगर हमारी साइट एक्टिव है, इंडेक्स हो रही है तो हम ए लेंगे। हमारी साइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंडेक्स नहीं हुई है, शुड नॉट बी इंडेक्स्ड, तो बी लेंगे। नेक्स्ट साइट टाइप, किस तरह की साइट टाइप है, ब्लॉग साइट है, ऑनलाइन शॉप है, न्यूज़ चैनल है, स्मॉल ऑफलाइन बिजनेस है, कॉरपोरेशन है, पोर्टफोलियो है या समथिंग एल्स है। तो हम इसे ऑनलाइन शॉप में भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन आर्टिकल है, प्रोडक्ट है सेल करने के लिए, तो या फिर आप जो है स्मॉल ऑफलाइन बिजनेस, या अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो समथिंग एल्स कर दीजिए। नेक्स्ट
ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सन है तो इसको ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमने डाल दिया डिजिटल, प्रोवाइड एन इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोगो चूज, यहाँ से हमें चूज करना होगा कि हमने लोगो ले लिया। अब ये मांग रहे हैं फेसबुक पेज यूआरएल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, माइस्पेस, तो दे सकते हैं अगर आप चाहो तो अभी दे दो या फिर बाद में, मैं इसको अभी मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। इसको देखिए मैं अपना फेसबुक का फेसबुक दे दिया, इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, बाद में भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें, और अगर आप चाहें तो अभी कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम दे दिया, लिंक्डइन, इतना ही रखते हैं। YouTube भी है तो लेट्स से हम YouTube पे का भी हम देखें, बाकी अगर कुछ रहता है तो बाद में कर देंगे। सर्च इंजन शुड शो पोस्ट इन द सर्च रिजल्ट, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें यस और यस लगा हो, अदरवाइज आपका सर्च इंजन जो है पेजेस को क्रॉल नहीं करेगा। सर्च इंजन शुड शो माय टेम्पलेट्स इन सर्च, यस। एलिमेंटर इंटरप्रेटर इन द सर्च, यस। ये सब आपको यस रखने हैं और यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। फिर मल्टीपल ऑथर, डज और विल योर साइट हैव मल्टीपल ऑथर, तो नो कर दिया है क्योंकि एक ही ऑथर है। अब देखिए साइट सेपरेटर जो हम पिछले पढ़ रहे थे कि हमें अंडरस्कोर वगैरह नहीं यूज करना है, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज यही है, तो यही हम भी यूज करेंगे। नेक्स्ट, इंक्लूड अ फ्री माय यूज्ड अकाउंट व्हिच गिव्स यू एक्सेस टू फ्री एसईओ फॉर मेंटर्स, ये देखो हमने भी नहीं चाहिए, इसको नेक्स्ट कर दिया। और ये हो गया क्लोज, ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया। ये फिर कॉन्फ़िगर्ड हो गया। अब फीचर्स है, तो एसईओ एनालिसिस हमें ऑन रखनी है, ऑफ नहीं करना है। रीडेबिलिटी एनालिसिस हमें ऑन रखनी है, कंसर्न कंटेंट ऑन रखना है। अगर आप इसमें से कोई भी ऑफ कर देंगे तो एसईओ फिर उस चीज की एनालिसिस करना, SEO Yoast उसकी एनालिसिस करना बंद कर देगा। तो मेक श्योर कि ये जो टेक्स्ट लिंक काउंटर ये सारे ऑन रहें,
ताकि आपका कंप्लीट जो है चेकिंग योस्ट कर सके। इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करनी चाहिए। वेबमास्टर टूल, टूल वेरिफिकेशन, वैदु वेरिफिकेशन कोड, बिंग वेरिफिकेशन कोड, गूगल वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे लाके हमें डालना है। ये हम आपको वेबमास्टर टूल वाले सेक्शन में बताएंगे कैसे क्या करना है। तो ये था SEO Yoast के बारे में कि Yoast SEO प्लगइन कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे ये हमारी हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऑन पेज में हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या एक्शंस लेने हैं सो डैट हमारा ऑन पेज SEO अच्छा हो सके। नेक्स्ट सेशन में हम आपको URL स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, URL स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका क्या रोल है, कैसे वो हमारी रैंकिंग में प्रभाव डालता है। URL स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करिएगा, नेक्स्ट सेशन ज़रूर देखिएगा। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।